तो नमस्कार दोस्तों, शानदार विजुअल्स, एक्शन से भरपूर और इमोशन से सजी हुई फिल्म भोला को इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड रिलीज कर दिया गया था और इसी के साथ इसने अपने शुरुआती पहले 3 दिन में ही काफी शानदार कमाई कर ली है और रिलीज होते ही इसने कई सारे मूवियों के तो रिकॉर्ड तोड़े ही है और इसी के साथ कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम भी करते हुए नजर आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले भोला मूवी के शुरुआती 3 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि इसने अपने शुरुआती 3 दिन में कितने का कलेक्शन कर लिया है और इसका आज चौथा दिन चालू हो चुका है। तो चौथे दिन ये कितने का कलेक्शंस करते हुए नजर आ रही है। अगर आप भी अजय देवगन सर की फिल्में देखना पसंद करते हैं या फिर आप इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और जाने पूरी मूवी के डिटेल्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने यह मूवी देख ली, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बता दूं, बॉलीवुड के सुपरस्टार मास महाराजा यानी कि अजय देवगन सर की फिल्म भोला को 30 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में करीब इंडिया में 4000 से ज्यादा स्क्रीनों पर रिलीज कर दिया गया था। इसी के साथ आपको बता दूं, बॉलीवुड की यह मूवी तमिल सिनेमा की ब्लॉकबस्टर कैथी की ऑफिशियल रिमेक है और उसके बावजूद भी लोगों को यह मूवी काफी शानदार लग रही है। लोगों का मानना यह है कि हम लोगों ने कैथी मूवी देखने के बावजूद भी हम अजय सर की फिल्म भोला को देखने आया है क्योंकि हमको पता था कि इसके अंदर अजय देवगन सर ने डायरेक्शन दिया है तो इसके अंदर कुछ नया होगा। उसी के साथ लोगों को इसका एक्शन काफी पसंद आ रहा है और अच्छे रिव्यू के चलते इसने शनिवार को भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर। तो चलिए आगे बढ़ते, अब बात करते हैं इसके बजट के बारे में, इसके कास्ट के बारे में, उसके शुरुआती 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में कि इसने अपने शुरुआती 3 दिन में इंडियन नेट कलेक्शंस कितने का कर लिया है और इसका आज चौथा दिन पूरा करने जा रही है। तो चौथे दिन ये कितने का कलेक्शंस करती हुई नजर आ रही है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपको यहाँ पर टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी छोटी बड़ी फिल्मों के कलेक्शंस के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, अजय देवगन सर के डायरेक्शन में बनी फिल्म भोला जिसके कास्ट में आपको देखने के लिए मिले अजय देवगन, तब्बू, संजय मिश्रा, दीपक ढोबरियाल जैसे कई बड़े कलाकार आपको इसके अंदर देखने के लिए मिले। अब आगे बढ़े तो आपको बता दूं, यह एक एक्शन एडवेंचर क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसको 100 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि इसने अपने शुरुआती 3 दिन में इंडियन नेट कलेक्शंस कितने का कर लिया है और इसका आज चौथा दिन शुरू हो चुका है। तो चौथे दिन ये कितने का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता दूं, इसने अपने शुरुआती पहले दिन की ओपनिंग तो काफी शानदार कलेक्शंस के साथ की थी। पहले दिन 11 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शंस किया और वहीं बात करें इसके दूसरे दिन के कलेक्शंस के बारे में तो आपको बता दूं, दूसरे दिन तो इसके कलेक्शन में ड्रॉप देखने के लिए मिला। इसने दूसरे दिन 7 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं बात करें इसके तीसरे दिन के कलेक्शंस के बारे में यानी कि कल शनिवार के कलेक्शंस के बारे में तो आपको बता दूं, इसने कल 11 करोड़ 94 लाख रुपए का एक शानदार कलेक्शंस किया जो कि शनिवार के चलते हुए काफी अच्छा डिजिट सामने निकल कर आया है और आज संडे प्रारंभ हो चुका है तो देखना यह होगा कि अपने संडे में कितने का कलेक्शंस करती हुई नजर आती है। तो आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि संडे के दिन करीब 15 करोड़ से लगा के 17 करोड़ रुपए के बीच में कलेक्शंस करते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, ये अपने शुरुआती पहले हफ्ते में कितने का कलेक्शंस कर पाएगी, क्या अपना लगाया हुआ पैसा बाहर निकाल पाएगी या नहीं, ये मूवी हिट रहेगी या फिर हो जाएगी फ्लॉप, अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपको यहाँ पर टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी छोटी बड़ी फिल्मों के कलेक्शंस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।